वो टाइम में भी आपको वो CR70 ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो एनी मेजर फॉल्ट, ना मेजर फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिकली वो CR70 ड्रॉप होगा। ये सब रीजन से वो CR70 ड्रॉप होने के लिए, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा आपका एफ, शायद आप 01 CR70 01 06 P1 ना कितना आएगा तो याद नहीं है, आपका PR1 का मैसेज आ जाएगा, आपको LSFA ब्लिंक करेगा, BPFA ग्लो करेगा, डिस्प्ले में आ जाएगा वो CR78 ड्रॉप्ड इन द लोको करके आपको मैसेज आ जाएगा। तो उसके बाद में आप ट्रबल शूट करेगा, अगर आपका कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं है तो उसको रीसेट करके PCB को क्लोज करेगा, ऑब्जर्विंग बाय ऑब्जर्विंग मशीन रूम, मशीन रूम का ऑब्जर्व करते हुए करना है। अगर जैसा PCB क्लोज किया कुछ स्पार्क नहीं तो कुछ स्मोक आया तो तुरंत PCB को ओपन कर देना है आज पर रिलीफ लो, ठीक है। अगर कोई पहले चेक करने के टाइम अगर कुछ ऑयल स्प्लैश हो गया, नहीं तो आपका एबनॉर्मल ऑयल लेवल ज्यादा हो गया, आपका SR ऑयल लेवल, नहीं तो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल, ठीक है, कहीं से आपका कुछ स्मोक आ रहा है, नहीं तो आपका बर्निंग स्मेल आ रहा है, तो डोंट रीसेट PLM एंड आस्क फॉर रिलीफ लो। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, बाय टेकिंग प्रिकॉशंस PCB को एक बार क्लोज करना है, अगर PCB होल्ड हो गया तो आपका इन्फॉर्म PLC प्रोसीड फर्दर, अगर फिर दोबारा गिरा PLM तो फिर आप चांस नहीं है आपका, अगर कुछ स्मोक एमिशन कुछ बर्निंग स्मेल आ रहा है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर के साथ कंट्रोल करेगा एंड आस्क फॉर रिलीफ लो। ये वो CR78 का। हाँ, तो नेक्स्ट आएगा आपका ट्रांसफार्मर, तो मेन ट्रांसफार्मर जो है पैरेलल इंडक्शन ट्रांसफार्मर आपका, तो ट्रांसफार्मर का ये वाइंडिंग है, तो मेन वाइंडिंग है ये आपका ब्लू कलर का। तो क्या होगा, तो मेन वाइंडिंग जैसे VCB क्लोज करेगा तो वो इच का सप्लाई आपका मेन वाइंडिंग ये हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर आपका एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने से क्या होगा, तो ये तो बहुत सारा वाइंडिंग्स है उसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन तो आपका वाइंडिंग्स है उसमें स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन टू डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, जैसे आपका मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होगा तो मेन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो है ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन होके तो डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेजेस में स्टेप डाउन हो जाएगा। तो कितना वाइंडिंग्स है देखिए, आपका SR1 का वाइंडिंग एक, ये वाला ये ब्लू कलर वाला, ये वाला एक, टू आपका SR2 का वाइंडिंग है, आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर 2, तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर्स, तो 1 एंड 2 वाइंडिंग है, 1 फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, 2 फॉर ट्रैक्शन मोटर 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका पूरा SR1 है, सॉरी ये SR1 है, ये SR2 है, तो ये पूरा SR1 है, SR2 है, तो फोर क्वाड्रेंट बोलता है ना, तो फोर क्वाड्रेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ऑटोमेटिकली इसमें 2 आएगा उसमें 2 आएगा, ठीक है। तो इसके इनपुट वोल्टेज कितना है, ये वाइंडिंग में 1269 वोल्ट, तो दोनों मिला का कितना होता है नियरली आपका 25 25 40 ना कितना आता है, ठीक है। तो ईच ईच वाइंडिंग में 1269 उसका इनपुट है, तो उसमें स्टेप डाउन होकर 1269 आपका ये वाइंडिंग से बाहर जाएगा, तो उसके बाद में वो क्या होगा, तो आपका SR में स्टेप डाउन हो जाएगा, ये 1269 क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपका ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई जाएगा। तो कितना वाइंडिंग से देखिए, अभी 4 हो गया, उसका नीचे में ऑक्सिलरी वाइंडिंग वो रेड कलर का, ये वाला ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो 5 हो गया, उसके बाद में ये आपका हार्मोनिक फिल्टर का एक वाइंडिंग है, कितना हुआ, 5 हुआ, तो सॉरी 6 हुआ, तो WG9 में 6 वाइंडिंग्स रहता है, हार्मोनिक फिल्टर का एक वाइंडिंग रहता है, हार्मोनिक फिल्टर का एक वाइंडिंग है, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होगा अब थ्रॉटल को ओपन करेगा तो हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आएगा, तो उधर से आपका ये जो ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर का ये वाला इंडक्टेंस है, ये ब्राउन कलर का हार्मोनिक फिल्टर का इंडक्टेंस, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, तो जब हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आएगा तो दिस इंडक्टेंस आपका जो हार्मोनिक्स आपका फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फिल्टर कॉन्टैक्टर है, तो उसके बाद आपका G9 में कितना वाइंडिंग्स है, G9 में आपका 6 वाइंडिंग्स हुआ,
ऐसा P5 P7 में P7 P5 अगर आपका हॉटर लोड वाइंडिंग भी हॉटर लोड भी आपका कनेक्ट किया तो उसमें 6 7 और एक वाइंडिंग एक्स्ट्रा रहेगा। G9 में 6 है पक्का, P7 P5 में इफ हार्मोनिक आपका हॉटर लोड कन्वर्टर्स प्रोवाइडेड इन दैट लोको तो और एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी आएगा, तो इस तरह और एक वाइंडिंग भी नीचे में आएगा हॉटर लोड का वाइंडिंग। ठीक है, तो टोटल इसमें होगा 7 होगा, तो नॉर्मल G9 में तो 6 है, तो इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज आपका इसका 1269 है आपका SR का, ईच वाइंडिंग में आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का 1000 वोल्ट्स है। ठीक है, तो हार्मोनिक फिल्टर का वाइंडिंग भी आपका तो 1154, हार्मोनिक फिल्टर का वाइंडिंग का आपका वोल्टेज जो है आपका 1154 है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कितना, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेजेस में आपका स्टेप डाउन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जैसे मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होगा तो ये सब आपका वाइंडिंग्स है तो वाइंडिंग्स में आपका वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगा। तो आपका ट्रांसफार्मर का तो कहाँ लगा आपका, अंडर स्लंग में, अंडर स्लंग में, अंडर अंडर फ्रेम में, तो अंडर फ्रेम में आपका दोनों बोगी का नियम बीच में तो ट्रांसफार्मर को आप लगाया है। ठीक है, ये सब वाइंडिंग्स और मेन ट्रांसफार्मर, तो आपका ट्रांसफार्मर टैंक का अंदर में रहेगा। अब जितना वाइंडिंग्स है एंड मेन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, अब जितना वाइंडिंग्स बोला था अभी 6 और 7 में भी, ठीक है, आपका एक ट्रांसफार्मर टैंक का अंदर में इमेज करके 2000 लीटर्स का ट्रांसफार्मर ऑयल रहेगा, इसमें भी 2000 लीटर्स है, 2000 लीटर्स का मिनरल ऑयल इंसुलेशन के एंड बेटर कूलिंग पर्पज के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल रहेगा, उसका अंदर में ये सब वाइंडिंग्स आपका ये करके रखा है, फिट करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफार्मर के अंदर ये सब वाइंडिंग्स रहेगा। तो आपका ट्रांसफार्मर का आपका ऑयल लेवल्स, तो ऑयल लेवल का ट्रांसफार्मर ऑयल के सर्कुलेट करने के लिए 2 पंप रखा हुआ है, और आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का ऑयल लेवल गेज भी आपका देख कल दिखाया OCB का बगल में, तो ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए 2 ऑयल पंप्स एंड ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करने के लिए 2 OCB को मैं प्रोवाइड किया है, तो ऑटोमेटिकली पंप सर्कुलेट करेगा, तो OCB का कॉमन हीट एक्सचेंजर है, कॉमन हीट एक्सचेंजर बोलते हैं उसको, तो क्या करता है आपका SR ऑयल आएगा, SR पंप सर्कुलेट करने से SR का ऑयल आएगा ऊपर तरफ आपका हीट एक्सचेंजर का ऊपर तरफ में, नीचे तरफ आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जाएगा तो उसका अंदर में सर्कुलेट होते रहेगा, तो आपका ऊपर में ये दोनों के लिए कॉमनली आपका एक OCB ऊपर में लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, तो आपका एटमोस्फेरिक एयर को सक करके तो कॉमन हीट एक्सचेंजर में उसको ये करेगा फोर्सली, तो OFEIF बोलता है इसका, मतलब ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग है, OFEIF कूलिंग सिस्टम ऑफ द 3 फेज लोकोमोटिव ऑयल फोर्स्ड एंड एयर फोर्स्ड। ठीक है, तो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का कूल करने के लिए ऑयल फोर्स, तो ऑयल जो सर्कुलेट होगा तो उसके बाद में एयर, तो एयर फोर्स फोर्सली एयर को आपका ये करेगा तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका थ्रॉटल को ओपन करेगा तो थ्रॉटल को, तो आपको SR देखिए, तो SR1 SR2 में क्या क्या रहा है, तो पहले देखिए ये आपका लाइन कन्वर्टर, लाइन कन्वर्टर मतलब एक रेक्टिफायर मॉड्यूल है, इसमें आपका 1 SR इज कंप्रे SR जो है SR यूनिट का अंदर क्या क्या रहता है, 1 लाइन कन्वर्टर DC लिंक ड्राइव कन्वर्टर, ये 3 पार्ट रहता है आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर का अंदर में, SR1 का SR2 जो भी है। ठीक है, तो लाइन कन्वर्टर एक DC लिंक एंड ड्राइव कन्वर्टर, ये तीनों रहता है। जैसा आपका थ्रॉटल को ओपन करेगा, तो थ्रॉटल को ओपन करेगा पहले प्री चार्ज कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, प्री चार्ज कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होकर आपका DC लिंक पहले प्री चार्ज होगा, जैसे DC लिंक प्री चार्ज होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, DC लिंक प्री चार्ज 2000 आपका 2800 वोल्ट्स के आपका DC प्री चार्जिंग का वोल्टेज है, जब प्री चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्री चार्ज कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, एक कन्वर्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है ना ये क्लोज हो जाएगा,
तो क्लोज होने से इधर से सप्लाई जाएगा आपका, एसआर का अंदर जाएगा, ठीक है। जैसा थ्रॉटल ओपन करने से आपका एक आर्टर कर सब ओपन क्लोज होगा, नहीं तो नॉर्मली ओपन में रहेगा। तो पल्सिंग जब आपका एमपीजे को फॉरवर्ड करेगा, थ्रॉटल को ओपन करेगा, तो आपका एसआर का पल्सिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले आपका हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आएगा, तो जैसा आप एमपीजे को फॉरवर्ड किया तो आपका हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आएगा, उसके बाद थ्रॉटल ओपन किया तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टर कॉन्ट्रैक्टर्स क्लोज होगा। तो क्लोज होने से सप्लाई जाएगा एसआर का अंदर, एसआर में जाएगा तो पहले लाइन कन्वर्टर में जाएगा, तो पहले लाइन कन्वर्टर में जाएगा। लाइन कन्वर्टर में क्या होता है, तो आपका सिंगल फेज एसी है, तो सिंगल फेज एसी जा रहा है, उसमें एसी टू डीसी कन्वर्ट हो जाएगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये डीसी लिंक है, तो डीसी लिंक को कंट्रोल करने के लिए डीसी लिंक को कंट्रोल करेगा और आपका एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आपका डीसी लिंक को ये करेगा, तो ड्यूरिंग ट्रैक्शन में क्या करेगा, डीसी लिंक को चार्ज करेगा, तो पहले इधर से आएगा, डीसी लिंक में आएगा, तो ब्रेकिंग टाइम में क्या होगा, तो डीसी लिंक से आपका लाइन कन्वर्टर में आएगा सप्लाई, तो रिवर्स आएगा। बट ओनली आपको एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए आप एक रेक्टिफायर मॉड्यूल है, ओनली एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये लाइन कन्वर्टर को ये करने वाला जो प्रोसेसर है, तो कंट्रोल करने वाला NSC1, NSC1 जो है आपका प्रोसेसर, ये सब NSC1, SLG1, ASC1, ये सब प्रोसेसर है। तो आपका लाइन कन्वर्टर को ये करने वाला आपका NSC1 प्रोसेसर इसका मॉनिटर करेगा, NSC1 प्रोसेसर मॉनिटर करेगा आपका लाइन कन्वर्टर को। उसके बाद में डीसी लिंक में जाएगा, तो डीसी लिंक में क्या होगा, तो डीसी लिंक देखिए बहुत सारा इसमें दिया है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर एक्सेस वोल्टेज आएगा तो डीसी लिंक रिचार्ज नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली डीसी लिंक अगर ओएच के अंदर ओवर वोल्टेज आ गया, तो डीसी लिंक से आपका ऑटोमेटिकली एसआर तो प्रोटेक्शन इधर मिल जाएगा। तो डीसी कैपेसिटर है, चोक है, तो एथिंग स्विच है, एथ फॉल्ट रिले है, ये सब आपका डीसी लिंक के अंदर पार्ट्स है। तो डीसी लिंक का काम क्या है, तो आरएलसी सर्किट बोलता है ना, तो रिएक्टेंस इंडक्टेंस आपका कैपेसिटेंस, आरएलसी सर्किट है। तो प्री चार्जिंग पर्पस, तो आपका जैसा आप कन्वर्टर पल्सिंग स्टार्ट होगा, वो ओनली डीसी लिंक पहले प्री चार्ज होगा, उसके बाद में कन्वर्टर पल्सिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, तो डीसी आया था, तो रेक्टिफायर मॉड्यूल से डीसी आया था, उसको स्मूथनिंग करेगा, प्योर डीसी बनाएगा, तो प्योर डीसी बनेगा। तो डीसी लिंक में अगर कहीं पर एसआर का अंदर कहीं अर्थ फॉल्ट हुआ, तो नहीं तो आपका कहीं आपका वावर वोल्टेज हो गया, तो डीसी लिंक जो है तो पूरा एंटायर सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये अर्थ फॉल्ट की वजह से, जैसे अर्थ फॉल्ट लिया, अगर डीसी लिंक का अंदर एनर्जाइज हो गया, तो आपका एसआर का पल्सिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या करेगा, तो लाइन कन्वर्टर एंड ड्राइव कन्वर्टर के बीच में एक तो बैलेंस करेगा, तो एक बफर का जैसे काम करेगा, बैलेंस करने के लिए, वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए आपका लाइन कन्वर्टर और ड्राइव कन्वर्टर के, जब पीक डिमांड आएगा आपका डीसी कन्वर्टर डीसी लिंक में जो स्टोर हुआ था तो कैपेसिटेंस में, तो उससे आपका ये करेगा बैलेंस करेगा। जब पीक डिमांड आएगा तो आपका ड्राइव कन्वर्टर का पीक डिमांड आएगा, तो आपका डीसी लिंक से आपका उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो मेन काम है इसका स्मूथनिंग द डीसी एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये दो काम के लिए आपका डीसी लिंक को रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्राइव कन्वर्टर में आएगा, तो इम्पोर्टेंट है ड्राइव कन्वर्टर विद गेट यूनिट्स। आपका इसमें क्या होगा, तो जितना वोल्टेज आया था इसमें क्या होगा, तो इन्वर्टर फिर डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वोल्टेज रेगुलेट हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन में हो जाएगा। तो ये सिंगल फेज से ये फेज थ्री फेज से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो फेज कन्वर्शन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन होगा, और डीसी टू एसी बनेगा, डीसी टू एसी भी बनेगा, तो थ्री फेज भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्राइव आपका, तो इन्वर्टर मॉड्यूल है, इन्वर्टर मॉड्यूल में क्या होता है, तो सेम आपका डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, वोल्टेज भी रेगुलेट कर देगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में आपका सिंगल फेज टू थ्री फेज भी बनेगा, तो उसके बाद में ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 में सप्लाई चला जाएगा।
हम लोग का तो थ्रॉटल का साथ तो आपका ऑपरेट करेगा, तो ये एंगुलर मूवमेंट ऑफ द थ्रॉटल आपका इधर वोल्टेज आपका एक्स मोटर में जाएगा, तो ये एंगुलर मूवमेंट ऑफ द थ्रॉटल, थ्रॉटल का आप ओपन करते रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द थ्रॉटल द परसेंटेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द थ्रॉटल आपका वोल्टेज भी इंक्रीज होते रहेगा ट्रैक्शन मोटर का अंदर। ठीक है, तो ट्रैक्शन मोटर का कितना जाएगा, तो ट्रैक्शन मोटर का मैक्सिमम वोल्टेज 2180 वोल्ट, 2180 वोल्ट आपका एसी है, 2180 वोल्ट थ्री फेस एसी एक एक मोटर का मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है जीटीवी लोगों में आपका एक मोटर का स्टार्ट करने के लिए नहीं है, तो इधर से सप्लाई देके इधर से चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, पर्टिकुलर मोटर का स्टार्ट करने के लिए आपका फैसिलिटी नहीं है, आपका स्टार्ट करना है तो पूरा ब्लॉक का स्टार्ट करना है। तो आपको एक स्विच दिया है 154 बोल के, आप 154 का से आपका ब्लॉक को आइसोलेट कर सकता है, जब 154 तो है आपका आइसोलेशन स्विच पर ब्लॉक मतलब बोगी, इधर ब्लॉक को बोगी बोलते याद रखे, SR1 जो है एंटायर आपका ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 को इधर बोगी बोलते हैं, बोगी आइसोलेशन बोलते हैं, बोगी आइसोलेशन स्विच 154 है, तो 154 से आपका आइसोलेट करने से ये वाला ये कॉन्टैक्टर्स कन्वर्टर कॉन्टैक्टर्स वो में रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा बोगी वन आइसोलेट हो जाएगा, पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के लिए इसमें फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हर ट्रैक्शन मोटर के अंदर आपका स्पीड सेंसर रहेगा, टेम्परेचर सेंसर रहेगा, तो आपका ये स्पीड सेंसर टेम्परेचर सेंसर आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को फीडबैक देते रहेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, तो ट्रैक्शन मोटर स्पीड को आपका जो टेम्परेचर है तो सब आपका मॉनिटर करते रहेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज को मॉनिटर करेगा लोको में, हर मोटर का तो सबका स्पीड एंड टेम्परेचर को ऑल ऑल ऑक्सिलरीज ट्रैक्शन मोटर्स का एक्सलेस का सबका स्पीड एंड टेम्परेचर को वो मॉनिटर करते रहेगा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका मिशन रूम में टेम्परेचर को सेंस करने के लिए बहुत सारा थर्मोस्टार्स रखा है, तो इसमें भी टेम्परेचर का स्टार्ट करने के लिए आपका थर्मोस्टार्स इसमें भी रखा है, ट्रैक्शन मोटर का अंदर में भी स्पीड सेंसर्स भी रखा है ट्रैक्शन मोटर का स्पीड को भी मॉनिटर करने के लिए, ये सब आपका इंटरकनेक्टेड विथ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका ये फीडबैक देते रहेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स फीडबैक देखिए इधर से आपका स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर फीडबैक कहाँ जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, SLG1 बोलने से आपका SR1 का इलेक्ट्रॉनिक्स है, तब बोला था कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स आर द मेन है, तो उसके बाद में SR1 इलेक्ट्रॉनिक्स SR2 इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है बोला था, वो SLG1 बोलने से SR1 इलेक्ट्रॉनिक्स है, SLG2 बोलने से SR2 इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इधर से आपका डायरेक्ट जा रहा है देखिए, तो इधर से भी देखिए इधर से भी सप्लाई आपका सेंसर्स कॉन्टैक्टर्स कंट्रोल एंड करंट सेंसर कहाँ जा रहा है, SLG में जा रहा है, सब फीडबैक आपका तो कंसर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में सब फीडबैक चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो भी एबनॉर्मलिटी आएगा तो कंसर्न इलेक्ट्रॉनिक्स विल तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोटेक्शन जो जो भी प्रोटेक्शन लाइन है वो प्रोटेक्शन ले जाएगा, तो कंसर्न मैसेज भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम वही है, SLG का काम क्या है, जो भी एबनॉर्मलिटी आएगा तो मे भी आपका इधर से आपका कन्वर्टर का कन्वर्टर से हो सकता है नहीं तो ट्रैक्शन मोटर से हो सकता है, जो भी एबनॉर्मलिटी आएगा तो जो प्रोटेक्शन है तो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन भी रिटर्न प्रोटेक्शन मतलब क्या करेगा, होने से SR को आइसोलेट करेगा नहीं तो VCB को ट्रिप करेगा, तो वही प्रोटेक्शन और क्या, हम लोग को सेफ्टी रिलीज क्या करता है प्रोटेक्शन देता है, VCB को ट्रिप कर देता है, सेम दो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसे करेगा, SR इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, तब का जरूरत पड़ेगा तो पहले SR का आइसोलेट करेगा नहीं तो VCB को ट्रिप कर देगा, तो कंसर्न मैसेज भी जनरेट करके आपका डिस्प्ले में डिस्प्ले करेगा, वही आपका ट्रैक्शन पावर सर्किट का ये है। हाँ, तो सेम SR1 सेम है, SR2 भी सेम है, SR2 में भी सेम वोल्टेज भी सेम है, लाइन कन्वर्टर डीसी लिंक ड्राइव कन्वर्टर SR1 फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, SR2 फॉर ट्रैक्शन मोटर 4 5 6, तो इधर आएगा तो आपका तो नीचे में देखिए जैसा आपका मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो गया ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन आपका पैरेलल इंडक्शन
तो पैरेलल इंडक्शन ट्रांसफार्मर, जैसे ये एनर्जाइज हो जाएगा तो ड्यूटी इंडक्शन आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी पिकअप हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पिकअप हो गया तो उसका आउटपुट है 1000 वोल्ट्स। तो क्या करेगा, नीचे में इधर लिखा क्या, देख क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग सप्लाइज टू बर वन बर टू बर थ्री। तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कितना इनपुट 1000 वोल्ट्स है, उसका आउटपुट कितना होता है, तो आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कहाँ जाएगा, 1000 वोल्ट्स इनपुट जाएगा आपका कन्वर्टर में जाएगा, कन्वर्टर से 415 वोल्ट्स एंड 110 वोल्ट्स। 415 वोल्ट्स क्या होता है, तो 415 वोल्ट्स सिंगल फेज और थ्री फेज, और 110 वोल्ट्स बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर से कितना आएगा, 110 वोल्ट्स आएगा, तो वही आउटपुट से आइजरी वाइंडिंग का इनपुट और आपका आइजरी कन्वर्टर्स का, तो आपका आइजरी इसका आइजरी आपका आइजरी इसका आउटपुट है, ठीक है। तो 415 वोल्ट्स एसी से आपका आइजरी चलेगा, तो बैटरी चार्जर से 110 वोल्ट्स डीसी पावर आएगा फॉर एनर्जाइजिंग कंट्रोल सर्क्यूट्स एंड टू चार्ज द बैटरीज, ठीक है। तो यही आपका इधर देखिए हार्मोनिक फिल्टर, तो जैसा आपका एमपीजे को फॉरवर्ड किया तो ये वाला शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। शंटिंग कॉन्टैक्टर जब 8 पावर FLG 592, FLG 592 मतलब आपका एमपीजे को फॉरवर्ड करने के बाद तो क्या होगा, 8.1 एंड 8.2 क्लोज हो जाएगा, ये वाला क्लोज होगा ये वाला क्लोज होगा, तो आपका हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आ जाएगा। हार्मोनिक फिल्टर जब तक सर्विस में रहेगा तो आपका हार्मोनिक्स को फिल्टर करते ही रहेगा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, अगर हॉटल लोड वाइंडिंग आने से तो हॉटल लोड वाइंडिंग का भी आपका जो पैरेलल इंडक्शन हो जाएगा, पैरेलल इंडक्शन होकर आपका हॉटल लोड वाइंडिंग से भी सप्लाई चला जाएगा। हॉटल लोड वाइंडिंग का आपका 1245 वोल्ट्स है, 1245 वोल्ट्स उसका आउटपुट वोल्टेज ऑफ वाइंडिंग हार्मोनिक फिल्टर का, सॉरी हॉटल लोड का, तो उससे आपका हॉटल लोड कन्वर्टर्स में जाएगा जस्ट लाइक स्टार्टिंग कन्वर्टर्स। तो उसके लिए भी और दूसरा और एक स्टार्टिंग कन्वर्टर रखा है, तो उससे सप्लाई फिर आपका रेगुलेट होके जाएगा, आपका 750 वोल्ट्स जाएगा, 750 वोल्ट्स आपका वाटर लोड का ये करने के लिए, पूरा कोच का अंदर 750 वोल्ट्स जाएगा। वाटर लोड कन्वर्टर्स में स्टेप डाउन हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेट हो जाएगा इन्वर्टर मॉड्यूल में, चला जाएगा 750 वोल्ट्स। बस इतना ही है आपका मेन पावर सर्क्यूट का, कुछ नहीं है। तो यार एक्चुअली आपका इसमें नहीं है, तो आपका थोड़ा आपका आइडिया रहेगा करके मैं बोल दिया पेंटोग्राफ का बारे में। तो पेंटोग्राफ राइज नहीं हो रहा है, तो पेंटोग्राफ राइज नहीं हो रहा है तो आप अगर तो चेक करना है तो देखिए पेंटोग्राफ के बारे में डिस्कस किया, तो VCB HYM OCR78 और SR1 SR2, ठीक है। तो ये आपका सर हार्मोनिक फिल्टर का कितना वोल्टेज बोले थे उसका जब? हार्मोनिक फिल्टर का 1154, 1154 है, 1154 सर ये प्री चार्ज कॉन्टेक्टर का एक बार फिर से बोल दीजिए ना, क्या बोले थे? जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं, आपका सिलेबस में नहीं है, आपको एक आइडिया के लिए बोल दिया, पहले प्री चार्ज होटल जान लोड का लिया। हाँ सर, होटल लोड का वोल्टेज कितना बताए थे? 1154, 1154 एंड 750, 1174 एंड 1154 उसका वाइंडिंग का आउटपुट वोल्टेज है, उसमें कन्वर्टर में जाएगा, कन्वर्टर से 750 वोल्ट्स बाहर आएगा, वो जाएगा ट्रेन का अंदर, ठीक है। तो प्री चार्ज कॉन्ट्रैक्टर पहले क्लोज होगा, पहले डीसी लिंक प्री चार्ज होगा, तो उसके बाद में प्री चार्ज डीसी लिंक का प्री चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो प्री चार्ज कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो जाएगा, कन्वर्टर कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होगा। कन्वर्टर कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होने के बाद आपका पूरा SR का पल्सिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये IGBT लोगों का, तो इसमें आपका पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर का स्थिर कर सकता है। इसमें क्या किया, तो मोटर कन्वर्टर रखा, एक एक मोटर को एक एक कन्वर्टर रख दिया,
एक मोटर वन के लिए, मोटर टू के लिए थ्री फेस मोटर्स है, इंडक्शन मोटर्स, एक एक मोटर के लिए एक एक कन्वर्टर रखा है, ठीक है। तो अभी आपके कन्वर्टर को आप आइसोलेट करेगा तो ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट हो जाएगा। तो उधर क्या होता है यार, पूरा कन्वर्टर से तीन मोटर के लिए सप्लाई कॉमनली चला जाता है। इधर क्या होता है, एक एक कन्वर्टर से एक एक कन्वर्टर से एक एक मोटर को सप्लाई देता है। तो ऑटोमेटिकली आप आइसोलेट करेगा, एक कन्वर्टर को आप आइसोलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली टीएम भी आइसोलेट हो जाएगा। देयर इज ए फैसिलिटी, तो पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के लिए आपका आईजीबीटी लोको में दिया है, जीटीओ लोको में नहीं है, बस इतना ही है। तो सेम फंक्शनिंग है इधर भी। तो पावर आपका एसआर को आइसोलेट करने के लिए तो पर्टिकुलर इधर देखिए, तो आपका ट्रैक्शन मोटर का आप पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर के इधर आइसोलेट कर सकता है। तो बाय यूजिंग डिस्प्ले स्क्रीन, थ्रू डिस्प्ले स्क्रीन आप आइसोलेट कर सकता है, डिस्प्ले स्क्रीन को यूज करके आप आइसोलेट कर सकता है। डिस्प्ले स्क्रीन टच स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन है, तो उसको यूज करके आप पर्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर का आइसोलेट कर सकते हैं। तो अगर पुराना लोकोमोटिव में अगर ट्रैक्शन मोटर का आइसोलेट, एक ट्रैक्शन मोटर का आइसोलेट करने का ये नहीं है, बोगी का आइसोलेट करना है, तो इसमें क्या होता है, तो एक स्विच है 154 बोल के, आपका SB1 में कल दिखाया था, रोटेटिंग स्विचेस बोला था ना, 154 स्विच नंबर, नहीं तो आपका तो 127.1/1, 127.1/2 MCB है, तो उसको ऑफ करने से भी आपका SR आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। तो MCB थ्रू MCB भी SR को आइसोलेट कर सकता है, वो एक स्विच है जस्ट आपका HMCS जैसे आपका 154 स्विच है, तो इसका थ्रू भी आइसोलेट कर सकता है पर्टिकुलर SR को। SR आइसोलेशन कहाँ होता है, कभी कभी फॉल्ट आएगा तो आपका मैसेज जनरेट होगा, तो आप कभी कभी आइसोलेट करना पड़ता है मैन्युअली। तो एज ए प्रोटेक्टिव मेजर, प्रोटेक्टिव मेजर क्या होता है, तो लोगों में जो भी एबनॉर्मेलिटी आता है तो प्रोटेक्टिव मेजर का जैसे आपका इलेक्ट्रो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स भी SR को ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता है, ऑटोमेटिकली SR ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा। तो दोनों केस में तो आपका ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गया, तो नहीं तो आप कभी कभी क्या होता है आपको मैसेज आएगा तो SR को आइसोलेट करेगा, तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है SR को आइसोलेट करे करके आपका डिस्प्ले में मैसेज आएगा। तो आपका स्विच को ऑपरेट करने से 154 को 1 में रखने से आपका SR1 आइसोलेट हो जाएगा, 2 में रखने से SR2 आइसोलेट हो जाएगा। ये बोगी आइसोलेशन स्विच है, आइसोलेशन स्विच, तो जिसमें जो पोजिशन में रखेगा वो बोगी आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन पावर सर्क्यूट है, इतना ही मेन इक्विपमेंट्स, आपका ओनली इंट्रोडक्शन काफी है, पूरा सर्क्यूट को ये करने का जरूरत नहीं। आपका हम लोग का तो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें इतना ही दिया है आपका हर एक SR के लिए, तो लाइन कन्वर्टर, ड्राइव कन्वर्टर, डीसी लिंक के लिए, और आपका हार्मोनिक फिल्टर के लिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये सब डिस्कस करने से हो जाएगा। तो वो CR78 ये तो ऑलरेडी हम लोग हो गया, इसका ऊपर में जो आइटम्स है तो रूफ आइटम्स देख लिया, बाद में पेंटोग्राफ, आप अगर पेंटोग्राफ को राइज कर रहे हैं, पेंटोग्राफ राइज नहीं हो रहा है तो आपका तो क्या करेगा, तो पहले देखिए आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लोको में ऑन हुआ कि नहीं, FLG504 आपका डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं, देखिए हो गया। नेक्स्ट आप जाके देखिए RS प्रेजर, देखिए आपका नोमैटिक पैनल में RS प्रेजर गेज है, तो गेज में आपका प्रेजर है कि नहीं देखिए। सेकेंड थर्ड में आपका Pento 1 Pento 2 कटआउट का है, वो ओपन में है कि नहीं देखिए, अगर ओपन बंद हो गया तो आपका प्रेजर नहीं जाएगा पेंटो पाइपलाइन का अंदर, तो PT1 PT2 का करके कल दिया था ना, अगर देख ले तो ऐसे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, पेंटोग्राफ राइज नहीं होने से तो आपका आइडिया कैसे बोल देता, एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपका इधर से देखिए Pento 1 Pento 2 कटआउट का, ये दोनों नोमैटिक पैनल में रहेगा, कल दिखाया था ना Pento 1 Pento 2 कटआउट का नोमैटिक पैनल में, तो ये अगर ओपन में है कि नहीं देख लीजिए। IG38 नॉर्मली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है कि नहीं देख लीजिए, IG38 कोई वर्टिकल कर दिया तो प्रेजर नहीं जाएगा इधर से, तो ग्राउंड करके नॉर्मल किया नहीं उसको, तो क्या होगा, तो पेंटोग्राफ राइज नहीं होगा आपका, ठीक है।
तो उसके बाद में पेंटो कैथोड का ठीक है, तो ये प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच आपका न्यूमेटिक पैनल में जो ऊपर में जो है, तो आपका जो प्रेशर स्विच कंटिन्यूसली रहता है ना ऊपर में, एक लाइन है उसमें आपका राइट साइड में फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ये प्रेशर स्विच है नंबर 9 का। इसको थोड़ा टैप करिए, इसको थोड़ा टैप करके देखिए, तो इससे माल फंक्शन कर सकता है, इससे प्रेशर तो नहीं जा रहा है ठीक है ना। अगर नहीं है तो 128.12 वीसीबी वीसीबी एंड पेंटोग्राफ कंट्रोल, वो एमसीबी अगर ट्रिप हो गया क्या देख लीजिए, बस इतना ही है। अगर पेंटोग्राफ राइज नहीं हुआ तो ठीक है। इतना ही है, ट्रबल शूटिंग है आपका, ट्रबल शूटिंग कुछ नहीं है आपका जीने में, ट्रबल शूटिंग आपका सिलेबस में नहीं है आपका, ओनली तो स्टॉक थ्योरी ओनली आपका, तो हर चीज के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं है ज्यादा। ट्रबल शूटिंग आपका एएलपी का इंडक्शन में नहीं है, थ्री फेज का। नेक्स्ट आपका ऑक्सिलरी फाइंडिंग, ऑक्सिलरी पावर सर्किट देखिए, आपका मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइजर है, उसके साथ में ड्यूटी म्यूचुअल इंडक्शन आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर पिकअप हो गया। जैसे पिकअप हो गया आपका क्या हुआ, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3 चला गया, पिकअप हो गया ठीक है। डायरेक्ट आपका जैसे वीसीबी क्लोज करेगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3 पिकअप हो जाएगा। ये भी सेम हमारा स्टैटिक कन्वर्टर में क्या है, तो आपका रेक्टिफायर मॉड्यूल, डीसी लिंक, इन्वर्टर मॉड्यूल सेम, फंक्शनिंग भी सेम है। एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा, डीसी लिंक आपका प्योर डीसी बनेगा, तो आपका तो बैलेंस करेगा, उसके बाद में इन्वर्टर मॉड्यूल में तो फिर डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाएगा, थ्री फेज भी कन्वर्ट हो जाएगा सेम आपका। 1000 वोल्ट्स आएगा इनपुट, आउटपुट आएगा 415 वोल्ट्स एसी थ्री फेज, 415 वोल्ट्स एसी थ्री फेज का सप्लाई आएगा ठीक है। तो सप्लाई आकर क्या करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स है 52.5, 52/4, ये सब आपका कॉन्ट्रैक्टर्स है। देखो कॉन्ट्रैक्टर्स हमेशा क्लोज में रहेगा, तो देखो जैसे SR1 आपका पिकअप हो गया, तो आपका तो इधर से आएगा सप्लाई डायरेक्ट चला जाएगा, तो OCB का MCB है 59.1/1, 59.1/2, ये MCB है, तो MCB ऑन में रहने से सप्लाई आपका OCB में चला जाएगा। देखो तो आपका ये कॉन्टैक्ट है कब क्लोज होगा, कॉन्टैक्ट क्लोज होने से सप्लाई जाएगा ना, तो आपका वीसीबी क्लोज हो गया तो डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ओपन में रहेगा ठीक है। आप जैसा SR पल्सिंग स्टार्ट होगा, तो ट्रांसफार्मर को आपका तो ट्रांसफार्मर को आपको ये सप्लाई को ये नहीं किया, तो SR का पल्सिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो ट्रांसफार्मर ऑयल आपका गर्म होने का चांस कहाँ मिलता है। तो हम लोग नाच लेने से ना तो ट्रांसफार्मर ऑपरेशन होगा, तो जब नाच लेता है तब जाके आपका 52.5 ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, क्लोज होने से आपका OCB स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। तो नॉर्मली डायरेक्ट ऑक्सिलरी नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सिलरी नहीं है, जब आप नाच ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली तो OCB स्टार्ट करेगा, OCB स्टार्ट होकर आपका टेम्परेचर को मेंटेन करते रहेगा, तो टेम्परेचर आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का और SR ऑयल को ठंडा करते रहेगा। OCB 1 and 2 ओनली बर 1 में, आपका एक्सनवर्टर का 1 का लोड क्या है, ओनली OCB 1 and 2 हाइड्रो कन्वर्टर का लोड से OCB 1 and 2, उसका MCB 59.1/1, 59.1/2 आपका HB 1 में, 1/1 मतलब HB 1, 1/2 मतलब HB 2। तो बोला था ना HB 1 HB 2 में ओनली ऑक्सिलरी का MCB रहता है ना, रहता है बोल के, तो ये ऑक्सिलरी का MCB 59, 55, 53 ये सब आपका HB 1, HB 2 में रहता है। 1/1 बोलने से HB 1 में रहता है, 1/2 बोलने से HB 2 में रहता है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स अलग से रहता है, ये नीचे में रहता है, इसका ये करने का जरूरत नहीं है ठीक है। नेक्स्ट बार 2 में, तो बार 2 से सप्लाई जाएगा, तो आपका तो बार 2 से क्या क्या जा रहा है आपका बार 2 से, तो देखिए तो कितना ही है, ये सब आपका बार 2 से ट्रांसफार्मर आपका
टू ब्लोअर्स एंड फोर पंप्स आपका आज इधर कन्वर्टर थ्री का अंदर लोड्स है, टू ब्लोअर्स ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर वन एंड टू, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप वन एंड टू, कन्वर्टर एस आर ऑयल पंप वन एंड टू, ये छह मिला के आपका आज इधर कन्वर्टर टू में रहेगा। जैसा आपका आज इधर कन्वर्टर टू पिकअप हो जाएगा तो टीएमबी वन टू जब आपका नाच ओपन करेगा तो आपका थ्रॉटल से नाच ओपन करेगा तो एक क्लोज होगा, एक कांटेक्ट क्लोज होगा, तब जाकर आपका टीएमबी वन टू स्टार्ट होगा। तो ट्रैक्शन मोटर जब ऑपरेट करेगा तो उसका अंदर में उसको ठंडा करना है, तो अन्य से नहीं तो करने का जरूरत नहीं है ना। तो ऑल एमसीबी रिमेंस इन क्लोज कंडीशन, नॉर्मल पोजिशन एमसीबी ऑन में रहेगा, ठीक है। तो टीएमबी वन एंड टू तो आपका, मगर ये चार पंप है ये डायरेक्ट आजलरी से, ये डायरेक्ट ये वाला कॉन्ट्रैक्टर आपका, तो इधर से आपका इधर से सप्लाई आ जाएगा। देखिए इधर से क्लोज होने से, तो क्लोज होने से आपका इधर से आ जाएगा, इधर से आके पूरा इधर चला जाएगा, इधर 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 से आके इधर, इधर से आके इधर चला जाएगा। ऑलरेडी एमसीबी क्लोज है तो पंप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, पंप इज डायरेक्ट आइसलरिस, चार पंप्स डायरेक्ट आइसलरिस, जैसे वीसीबी क्लोज करेगा स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगजा कन्वर्टर थ्री में जाएगा, तो थ्री में क्या क्या लोड्स है, तो इधर देखिए ये स्कैवेंजिंग फ्लावर वन एंड टू है ना, स्कैवेंजिंग फ्लावर ओसीबी वन एंड टीएमबी वन, स्कैवेंजिंग फॉर ओसीबी टू एंड टीएमबी टू, एक गलती दिया इधर, स्कैवेंजिंग फ्लावर वन फॉर, तो आपका टीएमबी टू है ओसीबी वन एंड टीएमबी टू के लिए, ठीक है। ये स्कैवेंजिंग ब्लावर्स टू और एमसीपी टू एंड बैटरी चार्जर आपका अगजर कन्वर्टर थ्री में रहेगा, स्कैवेंजिंग ब्लावर वन एंड टू एंड नीचे में एमसीपी वन एंड टू ये वाला है, ये वाला एमसीपी एमसीपी मेन कंप्रेसर, मेन कंप्रेसर वन एंड टू, उसके बाद में बैटरी चार्जर। टोटल कितना हुआ, पांच हुआ ना, स्कैवेंजिंग ब्लावर वन एंड टू, एमसीपी वन एंड टू एंड एमसी बैटरी चार्जर, ये पांच मिला के आपका आइडियल कन्वर्टर थ्री का अंदर रहेगा, आइडियल कन्वर्टर थ्री का लोड्स है। हाँ अंदर रहेगा मतलब उसका अंदर नहीं रहेगा ये तो मशीन रूम में रहेगा, मतलब आइडियल कन्वर्टर थ्री से फीड मिलेगा इसको, ठीक है। आइडियल कन्वर्टर थ्री का फीड इसका मिलेगा, इसका स्कैवेंजिंग ब्लावर वन एंड टू, एमसीपी वन एंड टू एंड बैटरी चार्जर। टोटल मिला के कितना हुआ, थ्री फेस ऑक्सिलरी थ्री फेस मोटर्स कितना हुआ बोलिए, कितना हुआ थ्री फेस ऑक्सिलरी इसमें, टोटल थ्री फेस का ऑक्सिलरी कितना है बोलिए अभी, 13 12 12 तो मोटर्स कितना है, अरे 13 ऑक्सिलरी है उसमें, मोटर्स कितना है, अरे यार फिर बंद हो गया, हाँ 12 मोटर्स, हाँ 12 मोटर्स है, वन बैटरी चार्जर, स्टैटिक डिवाइस, इट इज नॉट ए मोटर। तो ऐसे पूछता है एग्जाम में, थ्री फेज लोकोमोटिव में आपका कितना मोटर्स है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स कितना ऑक्सिलरी है, आपका थ्री फेज ऑक्सिलरी में आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स मोटर्स कितना ऑक्सिलरी है, तो तेरा तेरा लिख देता डायरेक्ट, तेरा नहीं है 12 है, और एक क्वेश्चन है आपका अंडर गियरिंग में कितना थ्री फेस ऑक्सिलरी रहेगा, आपको दिखाया था ना कल, तो आपका देखो मैं बोल देता हूँ, आपका एमसीपी वन एंड टू, एमसीपी वन एंड टू एंड आपका ये ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है ना, ये दोनों जी, ये दोनों ये ट्रांसफार्मर ऑयल पंप वन एंड टू एंड एमसीपी वन एंड टू आपका अंडर गियरिंग में रहेगा, लोको फ्रेम जो है आपका दोनों ट्रक का बीच में रहेगा, बाकी सब मिशन रूम में रहेगा। टोटल ऑक्सिलरीज 13, 9 ऑक्सिलरीज रहेगा मिशन रूम वन, मिशन रूम का अंदर 4 ऑक्सिलरीज रहेगा अंडर गियरिंग में, एमसीपी वन एंड टू एंड ट्रांसफार्मर ऑयल पंप वन एंड टू, ठीक है। तो टोटल मोटर्स 13,
सॉरी टोटल एक्सटर्नल इज 13, मोटर्स 12, वन स्टैटिक डिवाइस, बैटरी चार्जर 1. तो अंडरगेरिंग में कितना रहता है? 4 रहता है. ठीक है, तो सप्लाई इधर से आएगा, देखो कन्वर्टर बार 3 से आएगा सप्लाई 52 थ्रू बाय क्लोज. तो नॉर्मल क्लोज में रहेगा 52/3 नॉर्मली क्लोज. जैसा एक्सटर्नल कन्वर्टर 3 पिकअप, तो बैटरी चार्जर को सप्लाई चला जाएगा. एमसीबी 100 ऑलरेडी क्लोज है, ऑल एमसीबी क्लोज. तो एमसीबी 110 को आप क्लोज किया, एमसीबी 110 ऑलरेडी क्लोज में है, तो एमसीबी 112.1 आप क्लोज किया, तो कंट्रोल सर्किट में चला जाएगा. देखो भले लो को एनर्जाइज करने के पहले आप 110 को 112.1 को आप ऑन किया, एमसीबी 112 है बैटरी बॉक्स के अंदर रहेगा, वो क्लोज में ही रहेगा. एमसीबी 100 है एचबी 2 में रहेगा, वो भी क्लोज में रहेगा. जैसा आप बीसीबी क्लोज करेगा तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर पिकअप होगा, तो पिकअप होने से सप्लाई इधर से डायरेक्ट आ जाएगा. एमसीबी 100 क्लोज बैटरी चार्जर में सप्लाई आ जाएगा, बैटरी चार्जर से एमसीबी 110. ओके, बैट 110 के बाद क्या होगा? 110 के बाद तो 110 होके इधर क्या होगा? बैटरी के अंदर चला जाएगा इधर, तो बैटरी के अंदर. तो आप ऑटोमेटिकली एमसीबी 112 बैटरी के पास रहता है ना, तो बैटरी को चार्ज होते रहेगा, ये वाला बैटरी चार्ज होते रहेगा, और 112.1 क्लोज है, तो इसलिए कंट्रोल सर्किट में चला जाएगा. जैसे डीजे क्लोज भी क्लोज किया तो बैटरी चार्जर का सप्लाई ऑटोमेटिकली बैटरी चार्जर पिकअप हो जाएगा, तो आपको कंट्रोल सर्किट में चला जाएगा और बैटरी को भी चार्ज करते रहेगा. तो एमसीबी 100 इज इक्वल सीएचबी है इनपुट एमसीबी, एमसीबी 110 इज इक्वल सीएचबी है आउटपुट एमसीबी, एमसीबी 112 इज इक्वल तो एमसीबी इनसाइड बैटरी बॉक्स नंबर 2, एमसीबी 112.1 इज आपका कंट्रोल सर्क्यूट का एमसीबी, कंट्रोल सर्क्यूट का एमसीबी प्रोवाइडेड इन एसबी 2. 110 एंड 112.1 एसबी 2 में रहेगा, 112 बैटरी बॉक्स 2 का अंदर रहेगा, एमसीबी 100 एसबी 2 का अंदर में रहेगा. ठीक है, तो अगर आपका एमसीबी 100 ट्रिप हो गया तो क्या होगा? बैटरी चार्जर को सप्लाई नहीं मिलेगा, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा. वेरी गुड. तो 110 ट्रिप हुआ तो 100 ठीक है, मगर 110 ट्रिप हो गया तो क्या होगा? तो वो बैटरी को सप्लाई नहीं जाएगा सर. हाँ, बैटरी चार्जर से बैटरी को सप्लाई नहीं मिलेगा, बैटरी को तो चार्ज नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा. अगर 112.1 टिप हो गया तो क्या होगा? कंट्रोल सर्किट को सर पावर नहीं जाएगा. 112.1 ट्रिप हो गया तो आपका कंट्रोल सर्किट डीएनर्जाइज हो जाएगा, बीसीबी ट्रिप हो जाएगा, पेंटोल आवर हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक साफ हो जाएगा, बीपी ड्रॉप हो जाएगा, तो सब हो जाएगा. अगर 112.1 ट्रिप हो गया तो इम्पोर्टेंट एमसीबी है, तो ट्रिप नहीं होगा ये आपका. तो हाई कैपेसिटी एमसीबी से देखा कितना आपका उसका याम्स भी ज्यादा है, तो हाई ड्यूटी सर्किट ब्रेकर से इतना जल्दी ट्रिप नहीं होगा. तो एक्सेस वोल्टेज आपका उतना एक्सेस करंट फ्लो नहीं करेगा कंट्रोल सर्किट के अंदर, उसका उसका रेटिंग को बढ़ा दिया ऑटोमेटिकली. तो इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ट्रिप हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका रीसेट करना पड़ेगा और क्या. तो जो भी एमसीबी ट्रिप हो गया तो क्या करेगा, आपको इंडिकेशन तो मिल जाएगा, तो आपका फॉल्ट मैसेज भी आ जाएगा, तो कंसर्निंग एमसीबी को आप रीसेट करेगा और क्या, ज्यादा ये नहीं है. ठीक है, तो आपका 47.1/1, 1/2 एमसीबी है एमसीपी का मेन कंप्रेसर का. 47.1/1 एचबी 1 में रहेगा, 47.1/2 एचबी 2 में रहेगा एमसीबी. 62 फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, 63 फॉर कन्वर्टर ऑयल पंप, ऑल एमसीबी क्लोज में रहना है. तो ऑक्सिलरीज का जो एचबी 1 एचबी 2 में एमसीबी है, अगर आपका रनिंग में ट्रिप हुआ तो एक बार रीसेट कर सकता है. आप रीसेट करने के बाद भी अगर ट्रिप हुआ तो और कुछ करने का नहीं है. इसका मतलब आपका वो जो कंसर्निंग सर्क्यूट में कहीं भी एक्सेस करंट फ्लो कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दोबारा रीसेट नहीं करना है उसको. तो उसको ऑक्सिलरी को आइसोलेट कर देना है, कंपल्सरी. तो एमसीबी को रीसेट नहीं करना, एमसीबी को और रीसेट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिसको भी आप आइसोलेट करना है. अगर ओसीबी को आप आइसोलेट करना है तो आपका उसका कंसर्निंग एमसीबी को ओपन कर देना है. तो आपका मैसेज आ रहा है ओसीबी का अंदर अर्थ फॉल्ट है, आपका वीसीबी ट्रिप हो जाता है,
ठीक है, तो 59.1/1 को आप ट्रिप कर देगा तो OCP1 तो काम नहीं करेगा, तो OCP1 काम नहीं करेगा तो क्या होगा, तो Bogie1 को ये नहीं मिलेगा, तो Bogie1 को आइसोलेट करेगा। OCP1 को कब आइसोलेट करता है, तो Bogie1 को आइसोलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 को आइसोलेट करेगा तो आपका Bogie1 को आइसोलेट करना पड़ेगा, नहीं तो कानून SR ऑयल पंप 1 को आइसोलेट किया तो SR1 को आइसोलेट करना पड़ता, मतलब Bogie1 को आइसोलेट करना पड़ेगा। TMB1 को आइसोलेट किया तो Bogie1 को आइसोलेट करना पड़ेगा। यही प्रिकॉशन है तो आपका लंबा सौदा ट्रबल शीटिंग हो जाएगा, जरूरत नहीं है। तो इधर और एक चीज है, तो इसमें आपका डाउट आ सकता है, सर ये क्या है बीच में, ये बीच वाला का कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, इसका काम क्या है, कुछ नहीं है सर, कोई बोर खराब होगा तो उसमें दूसरा में फीड देने के लिए क्या लोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, लोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर सब सब फल्ली लगता है। ठीक है, तो लोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसमें क्या होता है, अगर जो भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट हो जाता है ड्यू टू एनी अर्थ फॉल्ट इन द ऑक्सिलरी ऑर द मे बी ट्रबल इन द ऑक्सिलरी कन्वर्टर, तो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाता है। सेम आपका स्टैटिक कन्वर्टर का फंक्शन है, सेम है। स्टैटिक कन्वर्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट आएगा, इंटरनल फॉल्ट आएगा, तो क्या होता है, ऐसे भी ट्रिप हो जाता है, क्यूसी को एनर्जाइज कर देता है, वीसीबी को ट्रिप कर देता है। इधर क्या होता है, तो पर्टिकुलर ऑक्सिलरी कन्वर्टर ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा। मान लीजिए OCP1 का अंदर कुछ अर्थ फॉल्ट हो रहा है, उसको सेंस कर लेगा बार वन आइसोलेट हो जाएगा, बार वन ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा, आप कुछ करने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो अर्थ फॉल्ट को सेंस करके वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा, प्रोटेक्टिव एक्शन, तो आपका मैसेज दे देगा, आपका फॉल्ट मैसेज दे देगा, तो आपका आइडियल कन्वर्टर 1 आइसोलेट हो गया करके। तो आपका डाउट आ सकता है, सर आइडियल कन्वर्टर 1 आइसोलेट हो गया तो OCP क्या होगा, OCP बंद हो जाएगा, मेरा लोकल चलेगा कैसे, तो ऐसा सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा बना के रखा है, तो जो भी आइडियल कन्वर्टर आइसोलेट हो जाएगा तो उसका लोड्स को तो रिमाइनिंग ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स पिकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली, तो सॉफ्टवेयर में ऐसे करके रखा है। तो OCP जैसा ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट हो गया तो OCP 1 एंड 2 का लोड है तो दूसरा ये 2 और 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स पिकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली, उसका चेंज हो जाएगा, तो उसी के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स है। जब मान लीजिए OCP के अंदर फॉल्ट है, आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 फेल हो गया, तो अभी क्या होगा देखो, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर्स क्लोज हो जाएगा, 52/4/1 क्लोज होगा। क्लोज होकर क्या करेगा, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से सप्लाई इधर से जाएगा, इधर से आएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके तब कॉन्ट्रैक्टर आपका कन्वर्टर 1 आइसोलेट होगा, तो आपका क्या होगा, 50 ये वाला ओपन, तो सप्लाई इधर से नहीं आएगा, तो 52.4/1 क्लोज होगा, तो इधर से जाएगा सप्लाई, नीचे से जाएगा OCP 1 एंड 2 के अंदर चला जाएगा। मान लीजिए आज कन्वर्टर 3 पिकअप हो, 3 आइसोलेट हो गया, तो उसका MCP के अंदर कुछ अर्थ फॉल्ट है, नहीं तो स्कैवेंजिंग ब्लोअर के अंदर अर्थ फॉल्ट है, तो क्या होगा, तो देखो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर 52/3 ओपन हो जाएगा, तो इधर देखो, तो ऑटोमेटिकली ये 2 वाला 52.2 क्लोज हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा सप्लाई, नीचे सप्लाई आकर आपका MCP के लिए CHBA के लिए चला जाएगा, तो आपका 52/1, 52.5/1, 52.4/1, 52.4, ठीक है, ये सब आपका लोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है, ऑटोमेटिकली लोड्स को शेयर कर लेगा जो भी है। तो इसके लिए तो नीचे में दिया है टेबल, कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे क्लोज होता है देखो, नॉर्मली 52/1, 2, 3, 4, तो ऑल्टरनेटिव देखो, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन बीच में क्लोज, तो ये टेबल से आपका कुछ आइडिया नहीं मिलेगा, ये टेबल से आपका कुछ आइडिया नहीं मिलेगा, तो मिल जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे इसको ओपन करो इसको क्लोज करो, क्या आप जरूरत है, हम लोग को जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, तो बार बार फेल हो गया, आपका कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली तो ऑल ऑक्सिलरीज आपका सर्विस में रहेगा, तो आपका रिमाइनिंग ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स विल लोड द शेयर द लोड ऑफ द आइसोलेटेड ऑक्सिलरी कन्वर्टर ऑटोमेटिकली,
आप कुछ करने का जरूरत नहीं, आप इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्या कौन कहाँ जाता है, कौन कैसे चलता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा ट्रिक है, आपको बोल देता हूँ, थोड़ा याद रहेगा आपको। आपका हमारे पास कितना ब्लावर्स है, फटाफट बोल रहा है, ब्लावर्स कितना है मेरा? 400 चार है, तो चार ना छे, छे छे हाँ, एक है, क्या क्या है नीचे भाई? ऊपर में वो छे, वन ओसीबी, वन टू स्कैवेंजिंग ब्लावर, वन टू टीएमबी, वन टू कितना हुआ? छह सर। हाँ सिक्स सर। छह सिक्स, वेरी गुड। तो मैं इधर लिखता हूँ, लिख रहा हूँ, देख इसको ऑब्जर्व करो। हाँ तो सिक्स है, सिक्स मेरा ब्लावर्स है, 13 में सिक्स ब्लावर्स मेरे पास, 13 ऑक्सिलरीज है, थ्री फेस ऑक्सिलरीज, उसमें सिक्स ब्लावर्स है। पंप्स कितना है? कंप्रेसर आल्सो ट्रीटेड एज ए पंप, कंप्रेसर भी उसको पंप कहला सकता है, कंप का जैसे काम करेगा वो, एयर प्रेशर को पंपिंग करेगा ना। तो पंप क्या है? तो पंप को वेरी गुड, तो छह पंप, छह ब्लावर्स है, छह पंप है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, जैसा ऑयल पंप दो दो और एमसीपी वन एंड टू, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, तो फॉर लोड शेयरिंग पर्पस, तो मैं जो क्या बोल रहा सुनिए, मैं फॉर लोड शेयरिंग पर्पस बैटरी चार्जर को भी मानिए एक पंप, बैटरी चार्जर पंप नहीं है, मैं ये आपको आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ, बैटरी चार्जर को भी पंप, पंप को जैसे इसको ट्रीट कीजिए फॉर लोड शेयरिंग पर्पज ओनली। तो लोड शेयरिंग में पंप का साथ बैटरी चार्जर रहेगा, जहां पंप्स रहेगा वहां बैटरी चार्जर भी रहेगा, बस इतना ही है मैं बोलने का मतलब, ठीक है। तो अभी पंप्स कितना हुआ, तो बैटरी चार्जर भी पंप है, सेवन सेवन, वेरी गुड। तो अभी तो सिंपल आइडिया है आपका, तो अभी दोनों में बड़ा कौन है? पंप बड़ा है, पंप हो गया। वेरी सिंपल, मेरा पास सिक्स ब्लावर्स है, सेवन पंप्स है। तो अभी तो आपका लोड शेयरिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कौन कहाँ जाता है ये आपको थोड़ा सा आइडिया है, कौन कहाँ जाता है आपका आइडिया नहीं है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप याद कर सकते हैं, याद रख सकता है क्या? नहीं है, थोड़ा सा आपका। तो अभी देखो ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेट हो गया, अभी आपके पास कौन कौन सा है? टू एंड थ्री, दो तीन, दो टू एंड थ्री में बड़ा कौन है? थ्री सर, थ्री, ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेट हो गया, तो टू एंड थ्री आपके पास सर्विस में है। तो अभी क्या होता है, जिसका पास आप सर्विस में है उसमें बड़ा वाला में बड़ा जाएगा, बड़ा वाला जाएगा छोटा वाला में छोटा चला जाएगा। तो मतलब आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर थ्री में पंप चला जाएगा, ऑल पंप सेवन वाला, सेवन वाला। तो ब्लावर्स कहाँ जाएगा? टू में जाएगा। अगर टू आइसोलेट हो गया तो बड़ा वाला कौन है? तो सेवन वाला थ्री में जाएगा, ये सिक्स वाला वन में जाएगा। अगर थ्री आइसोलेट हो गया तो सेवन वाला टू में जाएगा, सिक्स वाला वन में जाएगा, बस हो गया और क्या। समझ में आया? यस यस सर। एक बार फिर से सर, ठीक है ठीक है। तो सिक्स एंड सेवन, तो सिक्स एंड सेवन तक या पता हो गया? तो यस सर। हाँ तो वन टू थ्री, वन टू थ्री में अगर वन आइसोलेट हो गया तो सेवन वाला थ्री में जाएगा, सिक्स वाला टू में जाएगा, बड़ा तो ज्यादा बड़ा वाला ऑक्सिलरी तो बड़ा नंबर का ऑक्सिलरी कन्वर्टर में जाएगा, तो सेवन वाला थ्री में जाएगा, तो रिमाइनिंग क्या आ जाएगा? तो सिक्स वाला टू में जाना ही पड़ेगा। तो टू आइसोलेट हो गया, तो वन एंड थ्री में बड़ा कौन है? थ्री में जाएगा सर, बड़ा वन एंड थ्री में थ्री बड़ा होगा, थ्री बड़ा होगा तो आपका टू एंड थ्री में आपका पास टू आइसोलेट हो गया, तो वन एंड थ्री है, वन एंड थ्री में बड़ा वाला थ्री है,
तो 3 में 7 जाएगा, 1 में 6 जाएगा, बड़ा वाले के साथ 7 जाएगा ना सर। हाँ तो मैं वही बोला ना। ओके सर, तो 1 एंड 3 आपका पास है, 6 एंड 7 है, तो 6 एंड 7 में 7 वाला 3 में जाएगा, 6 वाला 1 में जाएगा। अगर आगे कन्वर्टर 3 आइसोलेट हो गया तो आपका पास 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 में बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 में 7 जाएगा, 1 में 6 जाएगा, ठीक है? यस सर। और सर पार्टिकल मोटर मोटर डिफेक्टिव रहेगा तो कैसे उसको आइसोलेट करेंगे? पार्टिकुलर उसका एमसीबी का आप कर देगा जी सर, उसके एमसीबी को आप कर देगा, तो आपका अगर मैसेज आया तो कुछ प्रॉब्लम है करके तो आपका एमसीबी को आइसोलेट करेगा, एमसीबी को आप कर देने से पर्टिकुलर आपका तो आइसोलेट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आगजर कन्वर्टर को आइसोलेट करना है तो पर्टिकुलर आग, कभी कभी क्या होता है हम लोग मैनुअली पर्टिकुलर आगजर कन्वर्टर को आइसोलेट करना पड़ता है कभी कभी, तो नॉर्मली आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, कभी कभी क्या होता है और ट्रबल शूटिंग पर्पज पर्टिकुलर आगजर कन्वर्टर को हम लोग आइसोलेट करना पड़ता है। ये केस में तो मान लीजिए आपका ये पर्टिकुलर ओसीबी का अंदर में पार्टी आपका मैसेज आया, आप क्या किया, आप क्या किया तो उसका आइसोलेट किया, तो उसका आइसोलेट किया, उसका आइसोलेट करने से बाद भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो प्रॉब्लम आपका ओसीबी में नहीं है, आगजर कन्वर्टर में, तो आगजर कन्वर्टर में ट्रबल है तो इसको आगजर कन्वर्टर का आइसोलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एमसीबी है 127.22/1, 127.22/2, 127.22/3 पर्टिकुलर ऑक्सिलरी को स्टार्ट करना है तो एमसीबी सेम एमसीबी, तो एचबीए आपका एसबी1 एसबी2 में रहेगा, 127.1 एसबी1 में रहेगा, 127.22/1, 122/3 एसबी2 में रहेगा, आपका ये ऑक्सिलरी का जितना एमसीबी है इधर 59 ओसीबी का, 55 स्कैवेंजर ब्लोअर का, 62 ट्रांसफार्मर ऑयल पंप का, 63 एसआर ऑयल पंप का, 47 आपका एमसीपी का, 55 स्कैवेंजिंग ब्लावर का, 53 ट्रैक्शन मोटर ब्लावर का, तो ये सब आपका HB1 HB2 में रहेगा, 1 वाला सब HB1 में रहेगा, 2 वाला HB2 में रहेगा, ठीक है? तो ये है आपका ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट। तो ये फ्रीक्वेंसीज है, जब आपका लोड शेयर होगा तो आपका रनिंग मोटर विद फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा वैरी हो जाता है, तो जितना वेंटिलेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है जितना आपका, तो ओसीबी मान लीजिए आइसोलेट कन्वर्टर 1 आइसोलेट होगा तो 2 में जाएगा, एक्चुअली ओसीबी 1 आइसोलेट हुआ तो 2 में जाएगा ओसीबी, तो जब 2 में जाएगा तो उसका जो आरपीएम है कम हो जाएगा, तो फुल स्पीड में आपका रोटेट नहीं होगा, तो थोड़ा वेंटिलेशन लेवल थोड़ा डिक्रीज होगा, तो फिर आपका आइसोलेट कन्वर्टर ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो गया, उसका आप उसको सर्विस में ला सकता है, लेकिन आप जहां मौका मिलेगा तो आपको सर्विस में ला सकता है, कैसे लाएगा बताएगा। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ ऑन करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ ऑन करना है तो आपका तो आइसोलेटेड सब सिस्टम सर्विस में आ जाएगा, तो ये सब सब सिस्टम्स है, आइसोलेट कन्वर्टर 1, 2, 3 SR1 SR2 लोको में 19 सब सिस्टम्स, मेन पावर 1 है, SR1, SR2, subsystem 2-3 है, 4 harmonic filter है, 5 hotter load है, 6-7-8 आपका isolated converter 2-1-2-3, 9 battery, 10 brake power, 11-12 HB1, HB2, 13-14 cab 1, cab 2, 15 fire, 16 speedometer, 17-18 FLG1 and 2, 19 train bus, ठीक है? तो ये सब subsystem से, तो जितना आपका total आपका जो ये है आपका लोकोमोटिव में, तो हर सब सिस्टम का तो एक एक प्रोसेसर इसको मॉनिटर करते रहेगा, तो जितना आपका माइक्रो प्रोसेसर का लॉजिक है उसको सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर का जो कंट्रोल लॉजिक है उसको सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, तो एक एक सब सिस्टम में तो कुछ प्रोसेसर उसको मॉनिटर करते रहेगा,
अगर वो सब सिस्टम का अंदर जो भी फॉल्ट आएगा तो दैट प्रोसेसर विल टेक नेसेसरी प्रोटेक्टिव एक्शन, तो मे बी सब सिस्टम का आइसोलेट करेगा, नहीं तो वीसीबी को ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो आप जितना आपका लॉजिक है, एक ही प्रोसेसर आपका इसको पूरा सिस्टम को ये नहीं मॉनिटर नहीं करेगा, तो इसलिए इसको सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया उसको फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए। तो कंसर्निंग प्रोसेसर विल चेक द फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सब सिस्टम, वेन एवर देर इज एन अबनॉर्मलिटी अकर्स इन द पर्टिकुलर सब सिस्टम द कंसर्नड प्रोसेसर विल टेक नेसेसरी प्रिवेंटिव मतलब प्रोटेक्टिव एक्शन जस्ट लाइक आइसोलेशन ऑफ सब सिस्टम और आइसोलेशन ऑफ नहीं तो ट्रिपिंग ऑफ पीसीबी टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर इक्विपमेंट इन द सब सिस्टम, ठीक है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो इधर तक आपका ये लास्ट फोर है लोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है, लास्ट फोर लोड शेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ओसीबी पर्टिकुलर ओसीबी को क्या काम है, तो ओसीबी तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर, तो एक आपका ट्रांसफार्मर ऑयल एंड एसआर ऑयल को ठंडा करने के लिए, ऑयल कूलिंग ब्लोअर आपका एटमॉस्फेरिक एयर आपका लोको रूप से लेके तो थ्रू कंबाइंड हीट एक्सचेंजर आपका ट्रांसफार्मर ऑयल को एंड आपका एसआर ऑयल को ठंडा करते रहेगा। नेक्स्ट स्कैवेंजिंग ब्लोअर 1 and 2, इट इज कॉमन स्कैवेंजिंग ब्लोअर फॉर ओसीबी एंड टीएमबी टू remove the dust from the air filters of OCB and TMB filters. तो OCB का जो लोको रूप के ऊपर जो कल आपका फोटोग्राफ में दिया था OCB duct करके लिखाया था ना उसमें, तो वही आपका OCB का filters है, तो उधर से आएगा हवा OCB का अंदर। कल फोटोग्राफ में दिखा ना? Yes, yes sir. तो वही filters को आपका clear करेगा, clean करेगा आपका scavenging blower 1 and 2, और उसी का और आपका टीएमबी का, टीएमबी का आपका लोको बॉडी का ऊपर दिखाया था ना, ये आपका जस्ट तो आपका स्क्वायर टाइप का, ठीक है, उस दोनों को क्लियर करेगा। स्कैवेंजिंग ब्लोअर का काम क्या है, टू क्लीन द डस्ट फ्रॉम द एयर फिल्टर्स ऑफ द ओसीबी एंड टीएमबी। नेक्स्ट आपका टीएमबी, टीएमबी का काम आपका पता है एक्शन मोटर को कूल करते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर ऑयल पंप, ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट करेगा प्रोवाइडेड इन द लोको अंडर फ्रेम। कन्वर्टर ऑयल पंप एसआर ऑयल को सर्कुलेट करेगा, एसआर ऑयल को कहाँ से सर्कुलेट करेगा, फ्रॉम एसआर टू कंबाइंड हीट एक्सचेंजर एंड बैक टू अगेन एसआर। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप क्या करेगा, ट्रांसफार्मर टैंक से ऑयल पंप को सर्कुलेट करके लेके जाएगा कंबाइंड हीट एक्सचेंजर का अंदर, फिर लेके आएगा आपका ट्रांसफार्मर का अंदर, तो वही काम है। तो एसआर पंप कहाँ रहेगा, एसआर का पास ही रहेगा, एसआर का बगल में ही रहेगा, ठीक है। मिशन रूम 1 में एसआर 1 का पास एसआर ऑयल पंप 1, एसआर 2 का पास एसआर ऑयल पंप 2, एमसीपी 1 2, तो टू क्रिएट एमआर प्रेशर, एमआर प्रेशर को क्रिएट करते रहेगा अल्टरनेटिवली काम करके 8 to 10 केजी साइकिल को मेंटेन करेगा। तो एमसीपी 1 and 2 आपका अंडर स्लंग कंप्रेसर्स, तो अंडर स्लंग है तो दोनों बोगी का नियम बीच में रखा हुआ है, ऑटोमेटिकल कंप्रेसर काम करते रहेगा। नेक्स्ट बैटरी चार्जर, तो टू चार्ज द बैटरीज एंड टू फीड द कंट्रोल सर्क्यूट, ठीक है। उसका इनपुट एमसीपी 1 CB 100 है, बस है ही ऑक्सिलरीज का। तो आपका डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, आपका बुक में भी दिया है, तो व्हाट आर द ऑक्सिलरीज सिंगल फेस एंड 3 phase ऑक्सिलरीज प्रोवाइडेड इन 3 phase लोको, राइट देयर लोकेशन पर्पस इन अ टैबुलेशन फॉर्म, मतलब टेबल में पूरा लिखना है। तो 3 phase ऑक्सिलरीज पूरा, नंबर 1 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, तो उसमें क्या क्या है, नंबर 1 में ओसीबी 1, तो उसका लोकेशन, तो उसका पर्पस, तो अगर लिख सकता है तो उसका एमसीबी नंबर, तो टेबल है बुक में दिया है, आप उसको फॉलो कीजिए।
उसके बाद में आपका सिंगल फेस ऑक्सिलरी 415 वोल्ट से सिंगल फेस एसी ऑक्सिलरी से आपका मिशन रूम ब्लावर 1 एंड 2 एंड उसका स्कैवेंजिंग ब्लावर 1 एंड 2 वो भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें नहीं है सिंगल फेस का सर्किट, इसमें नहीं दिया, वो अलग है, वो उसका सर्किट अलग है। तो थ्री फेस में उसमें नहीं आएगा ना, उसका सर्किट अलग है। उसके लिए एक तो छोटा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है आपका HB, शायद HB1 का नीचे में है, और ट्रांसफार्मर से आपका तो डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा। डीजे क्लोज करने से वो ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई आएगा, तो उधर से आपका स्टेप डाउन हो जाएगा, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन आ जाएगा। स्टेप डाउन होकर आपका 415 वोल्ट एसी सिंगल फेस, सिंगल फेस सप्लाई से आपका मिशन रूम ब्लावर 1 एंड 2 एंड उसका स्कैवेंजिंग ब्लावर 1 एंड 2 काम करेगा। वो आपका चार है सिंगल फेस एसी 415 वोल्ट ऑक्सिलरी से। ये फोटोग्राफ, इसको फोटोग्राफ ले लीजिए, ये थोड़ा अच्छा है, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। तो 2M 1 2 3, ठीक है, थ्री फेस एसी 2180 वोल्ट, 360 एम्स मैक्सिमम, 260 एम्स कंटिन्यूस करंट ट्रैक्शन मोटर का। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज है, तो 0 to 2180 वोल्ट वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फोर फ्रीक्वेंसी 65 to 132, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से आपका। तो आपका मेन आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ द थ्री फेस लोकोमोटिव है VVVF, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये प्रिंसिपल में आपका थ्री फेस लोको काम करेगा, वेरिएबल वोल्टेज टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो VVVF प्रिंसिपल में आपका थ्री फेस लो का काम करेगा, तो उसमें स्पीड सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, करंट सेंसर भी रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। हो गया, अब हार्मोनिक फिल्टर है, ऑक्सिलरी लोड 1000 वोल्ट, 1 2 3 में जाएगा, तो 1 2 3 के अंदर लोड्स है, और इधर देखिए होटल लोड का वाइंडिंग भी नीचे में दे दिया 750 वोल्ट ट्रायल सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, potential transformer situated on the roof attached to pantograph to roof line, potential transformer reduces 25 kV to 2100 volts AC and its output signal used in three ways, main converter electronics 4 volts AC to SR electronics, catenary voltmeter on driver console 10 volts DC minimum voltage relay। कल बताया आपको सर्किट में, ठीक है। तो आपका PT transformer, आपका potential transformer, उसको स्टेप डाउन करके तो आपका थ्री फेसेस में जाएगा। नेक्स्ट ट्रैक्शन पावर सर्किट में प्राइमरी पावर करंट को लेना बाकी रह गया। हां सर्किट आपने ऊपर दिखाया था ना, एक बार उसका फोटो ले लेवे क्या? सर्किट लिया नहीं?
सर छोटा कीजिए थोड़ा। क्यों नहीं हो रहा है क्या सर? नीचे का पोर्शन हो गया। यस सर। तो ट्रैक्शन पावर सर्किट प्राइमरी वायर करंट के लिए ओसीआर 78, तो एक बार के लिए रीसेट कर सकते हैं ओसीआर 78 को। अगर सेकंड टाइम डोंट रीसेट तो मेन ट्रांसफार्मर तो वाइंडिंग्स कितना वाइंडिंग्स है? हार्मोनिक फिल्टर वाइंडिंग, कन्वर्टर सेकेंडरी ट्रैक्शन वाइंडिंग 4 नंबर्स, आइडियल कन्वर्टर वाइंडिंग। ठीक है, तो बुक में दिया है सब, आपका इंग्लिश बुक में क्लियरली दिया है। हार्मोनिक फिल्टर, हार्मोनिक फिल्टर इज कनेक्टेड विद प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर विच कंसिस्ट ऑफ आरएलसी सर्क्यूट, तो लो पासिव फिल्टर है। तो हार्मोनिक फिल्टर रिड्यूसेस आर सप्रेस्ड द हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स टू अवॉइड डिस्टर्बेंसेस इन सिग्नलिंग। ओके, तब जब ये हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कभी भी हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है, उसके अंदर में कुछ अर्थ फॉल्ट हो गया नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हार्मोनिक फिल्टर ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाता है। तो वो टाइम में आपका लोकोमोटिव का स्पीड 40 kmph, तो 40 kmph रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपका 40 kmph से स्पीड इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, स्पीड जब व्हेनेवर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट्स आपका लोकोमोटिव का स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अप टू 40 kmph मैक्सिमम, उससे बढ़ेगा नहीं। तो अगर उससे ज्यादा बढ़ाएगा तो आपका फिर अगेन ट्रैक एफर्ट जीरो का आ जाएगा, फिर आपको खोलना पड़ेगा, आपका थ्रॉटल खोलना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर फिल्टर तो ये सब जरूरत नहीं है आपका, ये सब क्या करेगा। तो एस आर के बारे में थोड़ा सा, एस आर कन्वर्ट सिंगल फेज 25 kAC 3-phase AC विथ वेरिएबल वोल्टेज 2180 volts and frequency 65 to 132. There are two SRs, SR1 TM group 1, SR2 to 4. The traction converter can conduct current from catenary to the traction motors to provide propulsion. The propulsion of curve or can act is in an opposite manner conducting and rectifying current from traction motors to the catenary. जब आज regenerative brake में क्या होगा? जब आपका तो regenerative brake में आपका traction motor जैसे generator के जैसे काम करेगा, तो आपका जो 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 वोल्टेज जनरेट हुआ ट्रैक्शन मोटर के अंदर वो क्या होगा, फिर आपके इन्वर्टर मॉड्यूल में आएगा, इन्वर्टर मॉड्यूल में आपका सिंगल फेस हो जाएगा, उसके बाद में डीसी लिंक में जाएगा, तो डीसी लिंक टू डीसी बनेगा, डीसी लिंक से तो एसी टू डीसी, उसमें डीसी हो जाएगा, डीसी लिंक में आएगा, डीसी लिंक से फिर रेक्टिफायर मॉड्यूल में आएगा, फिर डीसी टू एसी होगा, तो एसी होके आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग से होके आपका वीसीबी से होके आपका पेंटोग्राफ होके फिर वो को फीडबैक हो, आपका बैक चला जाएगा, वो एचसी को फीडबैक करेगा। ठीक है, तो वो एचसी को फिर अगेन चार्ज करेगा, तो ये एडवांटेज आपका, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत काम आएगा। ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो वोल्टेज जनरेटेड बाय द ट्रैक्शन मोटर विल बैक फीड टू वो एचसी, फिर अगेन जो कंडक्टिंग ऐसा आया था फिर ऐसे रिटर्न चला जाएगा, फिर आपका रीजनरेटिव का वजह से आपका ब्रेकिंग टॉर्क क्रिएट होगा, ब्रेकिंग टॉर्क की वजह से आपका लोकोमोटिव कंट्रोल हो जाएगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्रॉम ट्रैक्शन मोटर्स टू द कैटेनरी दिस अलाउस कन्वर्टर टू वर्क इन बोथ टीआर एंड वीआर मोड, ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग मोड। ड्यूरिंग आरबी इट कन्वर्ट्स 3-phase AC सप्लाई इनटू सिंगल फेज एसी सप्लाई एंड फेड इट टू ट्रांसफार्मर, फर्दर मेन ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप दिस सप्लाई एंड फेड बैक टू ओएचसी, इन दिस वे 3-phase लोको वर्क एज अ स्मॉल पावर हाउस। ठीक है, तो आपका ड्यूरिंग आरजी रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपका फिर अगेन बैक फीडबैक करेगा, बैक फीड करेगा आपका वो एचसी को। तो क्या क्या पार्ट्स है? लाइन कन्वर्टर, इंटरमीडिएट डीसी लिंक, ड्राइव कन्वर्टर, ये कॉन्टैक्टर छोड़ दीजिए, कॉन्टैक्टर के जरूरत नहीं। तो लाइन कन्वर्टर कन्वर्ट्स द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड फ्रॉम द मेन ट्रांसफार्मर इनटू डायरेक्ट करंट मोटरिंग में। ठीक है,
एंड फॉरवर्ड्स दिस डायरेक्ट करंट टू द इंटरमीडिएट डीसी लिंक. तो ब्रेकिंग में क्या होगा, तो ब्रेकिंग में उसका अपोजिट होगा. तो मोटरिंग मतलब ट्रैक्शन है, ब्रेकिंग मतलब तो लाइन कन्वर्टर सप्लाइड फ्रॉम द मेन ट्रांसफार्मर इनटू डायरेक्ट करंट मोटरिंग में. तो सेम डायरेक्ट करंट को क्या करेगा, फिर एसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट करके फिर आपका इंटरमीडिएट डीसी लिंक एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग आर बोथ फंक्शंस आर एक्टिवेटेड बाय द ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो वो जो भी फंक्शनिंग है आपका ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही होगा. तो डीसी लिंक का काम क्या है, इंटरमीडिएट डीसी लिंक परफॉर्म्स टू मेन टास्क, फर्स्टली स्मूथन द डीसी एंड ऑल्सो परफॉर्म्स द स्टोरेज फंक्शन. जब पीक डिमांड आएगा तो कन्वर्टर एंड मोटर के बीच में, लाइन कन्वर्टर एंड मोटर के बीच में जब पीक डिमांड आएगा तो वो आपका डीसी लिंक से उसको फुलफिल करेगा. ड्राइव कन्वर्टर कन्वर्ट्स द डायरेक्ट करंट, द डीसी लिंक से ड्राइव कन्वर्टर में जाएगा, उससे डीसी से एसी कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी लिंक टू थ्री फेज करंट फॉर द ड्राइव मोटर्स मोटरिंग. कन्वर्सली इट ऑल्सो एबल टू कन्वर्ट थ्री फेज करंट जनरेटेड बाय द ड्राइव मोटर्स इंटू डीसी फॉर ब्रेकिंग. तो ब्रेकिंग टाइम में थ्री फेज एसी सप्लाई आएगा ट्रैक्शन मोटर से आपका इसमें, फिर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वही डीसी लिंक जाके आपका रेक्टिफायर मॉड्यूल में, फिर एसी होके फिर ओएच को चला जाएगा. तो ट्रैक्शन मोटर, सिक्स ट्रैक्शन मोटर्स आपका G9 P7 में, P5 में फोर ट्रैक्शन मोटर्स, ठीक है. तो 6FR या 6068 ना. तो आपका G5 का G9 का याद रखिए, 6FR या 6068 उसका मेक है. हाँ, तो एसी थ्री फेस एसी स्पिरल केज एसिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, ठीक है. स्पिरल केज मतलब उसका रोटर का कंडक्टर्स है जस्ट लाइक ए सेप एज स्क्विरल केज. तो फॉर गुड कंडक्टिंग के लिए उसका जो रोटर के अंदर जो कंडक्टर्स है उसको जैसा उसका गैप करके बनाता है ना, तो एसिंक्रोनस मोटर है. तो सिंक्रोनस स्पीड का हमेशा तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटेटिंग फ्लक्स है तो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको रोटर जो है तो ऑटोमेटिकली एसिंक्रोनस स्पीड में रोटेट होते रहेगा, ठीक है. तो आइसोलेशन ऑफ ग्रुप वन रोटेटिंग स्विच 154 प्रोवाइडेड इन SB1. तो फॉर आइसोलेशन ऑफ TM ग्रुप वन रोटेटिंग स्विच नंबर 154 इज प्रोवाइडेड इन SB1. तो नॉर्मल में रहने से दोनों ग्रुप होगी आइसोलेट में सर्विस में रहेगा, वन में रखने से वन आइसोलेट, टू में रखने से टू आइसोलेट, ठीक है. ऑक्सिलरीज आपको बताया अभी ये वाला सर्क्यूट, ऑक्सिलरी कन्वर्टर सेम, ऑक्सिलरी कन्वर्टर भी सेम है आपका, तो स्टैटिक कन्वर्टर का जो है वही है. तो इधर देख लीजिए, तो ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में देने से, ऐसा लिखना है. तो लोड ऑन ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर है, इनपुट फ्यूज और फ्यूजेस के बारे में कुछ नहीं है, खाली OCB1 मशीन रूम 1 में रहेगा टू कूल ट्रांसफार्मर एंड SR1 ऑयल इन कूलिंग यूनिट बाय टेकिंग एयर फ्रॉम रूफ. तो उसका MCB नंबर ऐसा लिखना है. स्टार ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 में तो आपका मशीन रूम TM ब्लोअर 1 एंड 2, तो TM ब्लोअर 1 मशीन रूम 2 में रहेगा, TM ब्लोअर 2 मशीन रूम 1 में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है. तो बाकी सब 1 वाला 1 में रहेगा, 2 वाला 2 में रहेगा, मगर आपका TM ब्लोअर 1 मशीन रूम 2 में रहेगा, TM ब्लोअर 2 मशीन रूम 1 में रहेगा, ठीक है. टू कूल TM 1 2 बाय फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर मतलब क्या है, तो एटमॉस्फेयर के से सक करके उसको कूल करेगा. तो ऐसा लिखना है, टेबल बनाना है. हाइड्रो कन्वर्टर 3 का MCP 1 2 टू क्रिएट MR प्रेशर, स्कैवेंजिंग ब्लोअर 1 टू क्लीन डस्ट फ्रॉम एयर फिल्टर ऑफ TMB 2 एंड OCB 1, राइट सर, ठीक है, ये वाला ठीक है. स्कैवेंजिंग ब्लोअर 2 टू क्लीन डस्ट एयर फिल्टर फ्रॉम TMB 1 एंड OCB 2, हो गया. तो देखो आप लिख सकता है तो MCB नंबर लिखो, नहीं सर मैं याद नहीं रख सकता हूँ मेरे को इतना ये नहीं है, तो छोड़ दीजिए. तो बाकी 3 लिख दीजिए, आपका ऑक्सिलरी का नाम, लोकेशन, फंक्शन, नहीं तो पर्पस जो भी है. तो MCB नंबर आप लिख, ठीक है सर, थोड़ा नीचे कीजिए सर. तो क्या करिए, सब टेबल आपका बुक में है,
बुक में है, बुक में इससे अच्छा दिया है, तो कितना स्क्रीनशॉट लेगा? तो मोबाइल देके पढ़ेगा क्या? हाँ नहीं सर, ठीक है फिर क्या करेगा? तो सब बुक में दिया, तो बुक में दिया उसको स्क्रीनशॉट लेके क्या करेगा? तो आपका इंग्लिश किताब है ना आपके पास? जी सर। उसमें क्लियरली दिया है, मैं क्लियरली दिया है उसको देख के पढ़ो, इसमें क्या करेगा? तो मिशन रूम ब्लावर एंड स्कैवेंजिंग ब्लावर्स आपका डायरेक्ट सप्लाइड है, तो आपका वीसीबी ड्राइविंग मोड में आपका देखिए मिशन रूम ब्लावर एंड स्कैवेंजिंग ब्लावर्स, उसका स्कैवेंजिंग ब्लावर्स। तो इधर देखिए, इधर क्या लिखा, इधर क्या लिखा, सिंगल फेस ऑक्सिलरीज, द ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड इन क्यूबिकल 1 HB1 and supplies following system with one phase power, single phase power. तो अलग से ट्रांसफार्मर रखा है सिंगल फेज ऑक्सिलरी के, जो हो गया ये थ्री फेज ऑक्सिलरी से 13 वो छोड़ दीजिए, वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3 उसको फीड करेगा। तो सिंगल फेज ऑक्सिलरी और कुछ रखा है लोगों में, सिंगल फेज 415 वोल्ट एसी ऑक्सिलरी से। तो आपका द सर्क्यूट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीई एंड ऑल दीज ऑक्सिलरीज वर्क इन ड्राइविंग एज वेल एज कूलिंग मोड एज सून वीसीबी क्लोज्ड, जैसा वीसीबी क्लोज किया ये सब स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए कुछ ये नहीं है, तो जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मोटर्स, डायरेक्ट मोटर्स है। तो क्या क्या है? मशीन रूम ब्लावर 1, मशीन रूम 1 में रहेगा, टू कूल द मशीन रूम पर डक्टिंग एंड लिमिट द टेम्परेचर ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बिलो 70 degrees। तो डक्टिंग क्या होता है? तो डक्टिंग बोलने से वही आपका जो एटमोसफेयर के एयर को सक करना, वही डक्टिंग है। तो मशीन रूम का ठंडा करने के लिए ओनली, मशीन रूम ब्लावर 2, तो ये भी सेम है मशीन रूम 2 को ठंडा करने के लिए, स्कैवेंजिंग ब्लावर 1 फॉर मशीन रूम ब्लावर 1, तो उसका फिल्टर को क्लीन करने के लिए, वो भी आपका एटमोसफेयर के एयर को लेता है ना, तो वो दो फिल्टर को भी क्लीन करना है ना, इसलिए सिंगल फेज का स्कैवेंजिंग ब्लावर और दो रखा। टोटल स्कैवेंजिंग ब्लावर कितना है? 3 phase का 2 है, सिंगल फेज का 2 है, ठीक है। तो उसके बाद में हेटर एलिमेंट इन बोथ कैब इनसाइड डेस्क, तो आपका जो ड्राइविंग डेस्क आपका फोटोग्राफ को दिखाया है उसका अंदर में रहेगा आपका हेटर। हेटर का क्या है? हेटर का छोटा सा कॉइल जैसा रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपका हेटर को ऑन करने के लिए एक स्विच है, आप स्विच को ऑन करेगा तो आपको कैब को गर्म करेगा, तो डिलीवर हीट फॉर कीपिंग द कैब वार्म, ठीक है। उसके बाद में सिंगल फेस 110 वोल्ट सीएसी, सिंगल फेस जो आपका स्टेप डाउन किया था, तो 415 वोल्ट से एसी में स्टेप डाउन होगा और उसके बाद में 110 वोल्ट से भी एसी में भी स्टेप डाउन होगा। तो 110 वोल्ट से एसी से क्या चलाएगा? कैब फैन। आप स्विच ऑन करने से दोनों कैब में आपका आपका पास और एलपी का पास एक फैन, छोटा फैन रहेगा, वो घूमेगा। और कैब वेंटिलेशन ब्लावर ये भी आपका ड्राइविंग डेस्क के अंदर में ही रहेगा, ड्राइविंग डेस्क है तो आगे तरफ अंदर रहेगा, ठीक है, आपका तरफ नहीं है, उस तरफ आपका ग्लास है, लुकआउट ग्लास है, उसका अंदर में रहेगा, ठीक है। आपका पैनल ये का दूसरा तरफ, पैनल ये नहीं है, पैनल सी का पीछे में रहेगा, पीछे तरफ इनसाइड रहेगा, ठीक है। तो क्रू फैंस है, कैब वेंटिलेशन ब्लावर, जब आपका गर्म लगता है तो हीटर को ऑन करना है, ब्लावर को ऑन करना है, तो क्या होगा, हीटर हीट को जनरेट करेगा, एक कैब वेंटिलेशन ब्लावर क्या करेगा, वो हीट को ये करेगा, स्प्रेड करेगा, हीट को स्प्रेड करने के लिए एक्सपेल करेगा। तो ये आपका ये थ्री फेस ऑक्सिलरीज भी लिखना है, ये भी लिखना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 10 mark का क्वेश्चन है, राइट डाउन द थ्री फेस लिस्ट ऑफ द थ्री फेस ऑक्सिलरीज with their location, purpose. Write down the three-phase auxiliaries and single-phase auxiliaries with their location and purpose in a tabular form. Tabular form मतलब table का जैसे बनाना है, table जो बना के लिखना है, tabular form बोलने से table में table के बना के लिखना है, ठीक है, वो सब लिखना है, three-phase auxiliaries, single-phase 415 volts, single-phase 110 volts, पूरा लिखना है, आपका 10 mark का आराम से मिलेगा। इसमें ऐसा वाला क्वेश्चन मिलने से आपका अच्छा है, इसमें आपका भूलने आपका गलती हो, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सर, हाँ
क्वेश्चन जो बोले ना सर एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। अरे वही है यार, थ्री फेस आर्क जनरेटर इसका, सिंगल फेस आर्क जनरेटर इसका, थ्री फेस आर्क जनरेटर इसका, उसका नाम है, उसका लोकेशन है, उसका पर्पस लिखने के लिए। सर ये रूम हीटर, क्रू फैन, कैब वेंटिलेशन सब लिखना है। तो ये सिंगल फेस आर्क जनरेटर होता है ना, तो क्या पूछा, थ्री फेस आर्क जनरेटर सर, सिंगल फेस आर्क जनरेटर बोला है, सिंगल फेस मोटर्स एंड थ्री फेस मोटर्स, तो ऑटोमेटिकली ये भी सिंगल फेस का होता है ना, तो सब लिखना है। ठीक है, उधर 13 या 4, 4 नहीं 5, 18 या 2, 20, टोटल 20, वो 13 है या 7 है, सिंगल फेस का 7, थ्री फेस का 13, ओनली टेबल, तो आगे कन्वर्टर 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, उसके बाद में सिंगल फेस आर्गलरीज तो 7 लिख देगा, सिंगल फेस आर्गलरीज 450 वोल्ट एसी 4 5 लिखेगा, सिंगल फेस 110 वोल्ट आर्गलरीज 2 लिखेगा, हो गया और क्या। तो टेबल बुक में क्लियरली दिया है आपका इंग्लिश किताब में, तो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो देखिए कूलिंग कॉन्सेप्ट, कूलिंग कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है, ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक है आपके, इसके अंदर में 2000 लीटर का ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल रहेगा, उसके अंदर में सब वाइंडिंग, जितना वाइंडिंग्स है उसके अंदर में इमेज करके रखेगा। ठीक है, तो ऑयल जो है आपका, तो बेटर कूलिंग एंड इंसुलेशन पर्पज के लिए, तो TFP पंप जैसे VCB ऑन हो जाएगा, तो TFP पंप ऑन हो जाएगा, तो आपका इधर से क्या करेगा, ट्रांसफार्मर ऑयल को लेके जाएगा। तो ये है आपका कंबाइंड हीट एक्सचेंजर, यही है कंबाइंड कूलिंग यूनिट, ऑयल कूलिंग यूनिट 1, ऑयल कूलिंग यूनिट 2 है, तो इसका टेक्निकली बोलते हैं, इसको इसका नाम ऑयल कूलिंग यूनिट 1, और टेक्निकली बोलते हैं कंबाइंड हीट एक्सचेंजर। कंबाइंड मतलब किसके लिए, दोनों के लिए, देखो इधर भी रहेगा, तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो इसके अंदर में आपका ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेट होते रहेगा, इसके अंदर में क्या रहेगा, क्या रहेगा इसके अंदर में, तो जिगजैग पाइप्स रहेगा, रहेगा कि नहीं है जी सर। कूलिंग कूलिंग यूनिट्स में क्या रहता है, ऐसे ही रहता है ना, फिन्स सर, फिन्स, फिन्स जिगजैग अरेंजमेंट में फिन्स रखता है, तो उसमें ऑयल सर्कुलेट होते रहेगा, तो कभी भी आपको जो भी लिक्विड को आपको सर्कुलेट ठंडा करना है तो उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा, तो सर्कुलेट करने से ऊपर से देखिए, ऊपर से OCB1, तो आपका लोको रूप से आपका एयर को लेके, तो आपका कंबाइंड हीट एक्सचेंजर के अंदर आपका एयर को ये करते रहेगा, तो ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग बोलते हैं इसको, OFAF, तो ऑटोमेटिकली फिर जब ठंडा हो गया तो ऑटोमेटिकली फिर ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका SR1 वाल्व सेट्स है, तो वाल्व सेट्स आपका SR का ऑयल के अंदर आपका ये करके रखेगा। ठीक है, फिर इंसुलेशन का, तो इंसुलेशन ये मेंटेन करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसका अंदर में ऑयल में भी SR1 ऑयल पंप रहने से आपका SR1 का अंदर आएगा, SR1 रेडिएटर का अंदर आएगा, तो SR1 रेडिएटर, TFP रेडिएटर, ये तो एक ही जगह में ऑयल कूलिंग यूनिट एक ही जगह में आपका फिक्स करके रख दिया, तो वही है कंबाइंड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें SR ऑयल पंप भी, SR ऑयल भी ठंडा होते रहेगा, जब ठंडा हो गया तो फिर अगेन SR1 में चला जाएगा। ट्रांसफार्मर ऑयल का गेज है, तो नीचे में टैंक है मगर उसका तो कनेक्शन है, गेज का कनेक्शन आपका डायरेक्ट मशीन रूम में दे दिया। ठीक है, TFP का, तो ये पंप कहाँ रहेगा, आपका अंडरगेरिंग में, तो टैंक जहाँ ट्रांसफार्मर टैंक है उसका बगल में ही, ये तीनों ट्रांसफार्मर टैंक एंड TFP 1 और 2 आपका अंडरगेरिंग में रहेगा, ये तीनों अंडरगेरिंग में रहेगा, तो SR1 और SR2 मशीन रूम 1 और 2 में रहेगा, उसका अबव में SR1 का ऑयल लेवल गेज रहेगा, तो जहां आपका OCB है OCB के बगल में आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का ऑयल लेवल गेज रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कूलिंग कॉन्सेप्ट का ये है। तो TMB 1 और 2, और TMB 1 और 2 क्या करेगा, TMB 1 और 2 आपका टैक्स मोटर 1 2 3 को फोर्स डे
एटमॉस्फेरिक एयर फोर्स फोर्स डे लेके टीएम 1 2 को 3 को ऐसा उसका ऊपर में ऐसा चैनल्स प्रोवाइड किया, तो उसको क्या करता है डक्स बोलता है ना, डक्स बनाया है तो डक्स से चला जाएगा फोर्स जब एयर जाएगा तो उसके इधर बेलोस रहता है, एयर बेलोस इधर रहता है तो एयर बेलोस चला जाएगा आपका डक्स मोटर 1 2 3 4 5 इसको ठंडा करते रहे। आपका मिशन रूम और 1 और 2 है तो क्या करेगा, तो ये क्या करेगा मिशन रूम को ठंडा करते रहेगा और क्या, मिशन रूम को ठंडा करते रहेगा। ठीक है टी ब्रेक ले लीजिए, ज्यादा हो गया आज सर। सर जो हमारे रूफ पे हार्मोनिक फिल्टर लगा होता है सर, हार्मोनिक फिल्टर नहीं है ऐसा ही बोला तुम, हार्मोनिक फिल्टर का रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस होता है सर, रेजिस्टेंस होता है सर, हाँ तो सर उसमें तो डस्ट पार्टिकल उसमें भी जमा हो जाता होगा ना, उसपे जमा होने से उन लोग जो मेंटेनेंस होगा तो उन लोग निकालेगा उसको, उसके उसके लिए सर एस्केवेंज ब्लोअर का तो कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब उसको जो साफ करेगा वो मेंटेनेंस वाले ही साफ करते हैं।